इस बार गाइस शायद से इंडिया की सबसे फेमस टीम जीतने वाली है। एंड इस टीम को लीड कर रहे हैं भाई हमारे एडमिनो भैया, जोनाथन भैया, सिम्प भैया। एंड गॉडल का परफॉर्मेंस अगर तुम देखो तो भाई टॉप नॉच रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे जो एडमिनो भैया है, स्पेशली इनका कोई तो पता नहीं, इनको चौको किंग कह रहा था। चौको किंग क्यों कह रहे थे, आई हैव नो आइडिया भाई, मतलब वो भी दे देंगे चौको वाली चीजें तो अलग बात है। बट कोई गॉड मीनो कह रहा था, बट ऐसे स्प्रे कोई मारेगा तो कोई बोलेगा ही नहीं भाई, ये तो मतलब हैक मीनो भी बोलते कोई। यहाँ पर हमारे एडमिनो भैया है, मॉली से चल गया बेचारा, वो तो लेफ्ट साइड प्लेयर है, एक को बड़ी डीपीएस, दूसरा भी है लेफ्ट साइड से। देखो जब टीएक्स जीती थी ना तब भी मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई इस बार टीएक्स जीतने वाली है, इनका परफॉर्मेंस बहुत बाप लेवल का, क्योंकि इनके प्लेयर्स का तुम गेम प्ले देखते हो उस टाइम पे स्प्रे गॉड वगैरह क्या खेल रहे थे। इस बार आई फील एक नॉक मेरे को अंदर से, यू नो मैंने जो देखा है अभी तक गॉडल की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस बार लगता है गाइस गॉडल इज गोइंग टू बी द वन जो करने वाली है सॉलिड लेवल पे कमबैक एंड लेके जाने वाली है ट्रॉफी। और ये बंदा ओपन में फंस गया है भाई साहब, यहाँ पे अभी स्कैम होते होते रह गया। ये बंदा अंदर छुप के बैठा हुआ है बेचारा, फंस गया, क्या ही कर सकता है, अपनी मौत का वेट कर रहा है, शॉटगन खाने का वेट कर रहा है। इसका तुमने ये विंडो देखी इधर अंदर वाली, कौन सी? यहाँ पर मेरा पर आया सामने बंदा ओपन में। ओके भाई लोग आए हैं डायरेक्ट मुंह पे, गाड़ी रोक के और लेफ्ट राइट साइड से स्प्रे भी मार रहा है कोई यार, ये तो थोड़ा सा राइट साइड से ओपन में है। एक और सिप नॉक्ड है, एक और नेड कर रहा हूं, रुको इधर ये मेरे मुंह पे ही है, मैं भी आ ही रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। ओके ये लोग क्लोज इन कर रहे हैं सामने सिम को बचाने के लिए, ऊपर है देख, एक ऊपर है, एक बंदा ऊपर है, सिम को तो रिवाइव मिल जाएगा। ए मुंह पर आ गया, अरे ये तो एकदम बगल में बैठा है, उसने पंक को नॉक कर दिया, एडमिन ऑफ 1 एचपी लिटरली। क्या फाइट हुई भाई वहां पे लेफ्ट साइड में, बंदे को भागते भागते कमर में मारा उठा करके एस्ट्रोल के सामने, एक प्लेयर नॉनस्टॉप भाई। आजकल लोग अच्छा हुआ लोगों ने डीपीएस चलानी छोड़ दी भाई, लोग थैंक गॉड लोग एस्ट्रोल के चलाने शुरू कर चुके हैं भाई, इतनी बढ़िया गनती मैं तो मानता ही था हमेशा से, मैं तो एस्ट्रोल की मेरी फेवरेट थे, कैसे डीपीएस वाले तो पसंद ही नहीं थे मेरे को, नेवर माइंड भाई डीपीएस ले आया मेरे बोलते ही, बट लोग तब भी एस्ट्रोल के चला रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो अच्छी चीज है। बस डीपीएस नहीं चल रही अकेली, तो पहले तो सिर्फ डीपीएस चल रही थी यार। भाई चलती गाड़ी से स्ट्रोक कौन चला सकता है भाई, ये क्या है? हम साथ में एडमिनो की यार सेंसिटिविटी देखेंगे और साथ में इनका एक गेम प्ले भी देखेंगे, ये कैसे लोग कॉल आउट देते और क्या गॉडल के करंट कॉम से क्या ये लोग पेलम पाली करने के लिए कॉल आउट देते हैं, फ्लैंक मारते हैं एनिमीज का, वक्त बाद जिंदगी बदलते हैं। ये बंदा मुंह पर ले लिया भाई लिटरली, उसको पता ही नहीं लेफ्ट साइड से भाई इसका एंगल बन रहा था, उस पे लेफ्ट नहीं है तो एंगल नहीं है। ओके एडमिनो भैया और इनके स्प्रे भाई नेक्स्ट लेवल भाई, एडमिनो के स्प्रे बहुत बाप है कुछ भी बोलो। यहां पर टीपी प्लेयर अजर प्लेयर आ भाई साहब, मुंह पे शिट ऑन मारा उठा करके एनिमी है, जा तू बोला था ना उधर से, एक और प्लेयर आ रहा पीछे से, क्या यहां पर एडमिनो भैया एक और प्लेयर को डिलीट करेंगे, फोटो करो भाई। वैसे ये बीएमपीएस राउंड 1 के फ्रैग्स हैं, बीएमपीएस तो तुम्हें पता ही है भाई क्या मजा आ रहा है। मैं देखो मेरा मानना है कि कुछ लोग मैंने रिसेंटली देखा कि बोल रहे हैं कि भाई जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते, वो मैं मानता नहीं एग्जैक्टली। देखो बात ऐसी है कि एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि एक तरीका भी है कि इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे खेल पाए, क्योंकि मतलब बीजेएमआई है तो इंडिया का ही है, पबजी तो है नहीं है, तो पबजी के अगेंस्ट मतलब यू नो खेलना ही पॉसिबल नहीं है एक तरह से, लाइक वो खोगा कैसे आई डोंट नो, क्योंकि पबजी तो इंडिया में लीगली देखा जाए तो बात ऐसी है कि और पास्ट में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टीम्स गई हैं, ठीक है तुम्हें एनडीटी का पता हो, उसमें सोल अमन भी था, जोनाथन था, तो डायरेक्ट ऐसे डिसमिस कर देना कि नहीं हो पाएगा गलत बात। बट अभी जो करंटली गॉडल की लाइनअप है तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये लाइनअप इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइव कर सकती है, जैसे यू नो डीआरएस की लाइनअप होगी, उनके अगेंस्ट होरा की लाइनअप होगी, उधर पाकिस्तान में भी एक से बढ़ के एक टीम से भाई अग्नि की लाइनअप हो गई, क्रिप्टो ने वहाँ पे लाइनअप चेंज कर लिया, तो ये करंट जो इंडिया की लाइनअप्स है उनमें से गॉडल जैसी हो गई, तुम्हें क्या लगता है क्या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दे पाएगी एकदम बाप लेवल का, क्योंकि यहाँ पर सामने से गाड़ी आ रही है वो बढ़िया, दूर वाले को भाई ने सोचा पहले इसको पेल देते, भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बग्गी वाले को मारते मारते लेफ्ट वाले को मारते मारते फिर राइट वाले को मार रहा था। वैसे अब यहाँ पर हम गॉडल का एक मैच देख रहे हैं और इनके कॉल आउट सुनेंगे। अबे सॉरी तो नहीं थी तेरा, अरे ये
वो बग्गी कहाँ गई यार, वो बग्गी इसी तरफ तो आ रही थी, कहाँ गई वो, किधर गई? नहीं पता नहीं, आगे वाले भी रिस्क थी, जानिए इसके आगे वाले किधर 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 जो डिप होती है ना। अच्छा जोन है, कोई एक बार याद है तेरे को? उधर समझ मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है उधर जाके स्मोक करूंगा, थोड़े से एडे रखो मैं जोन। ओके लोग जोन के अंदर रोटेशन कर रहे, अब तुम रोटेशन देखो, एडमिनो सबसे पहले जा रहा है एंड वो लोग पीछे से कवर फायर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है जोनाथन वन ऑफ द बेस्ट फाइट हो रही है, ठीक है प्लेयर है जो कवर फायर देने में एकदम बाप है, क्योंकि स्प्रे अच्छे है ना, हर जगह से सेफ है। स्प्रे डाउन करके आना गाइस, नॉक मत होना, बीट मत होना। हां हां अलग अलग जगह से पिक करना जाने भाई, एडमिनो शायद से और आगे जाएगा क्या ऊपर जा सकते हैं, जाने को तो मतलब सामने ऊपर और चढ़ जाओ, क्योंकि बूस्ट कर लो भाई, अगर कोई और ऊपर आके बैठ गया इनके तो स्कैम ना हो जाए इनके साथ, बट बाकी सब तो ठीक है। निकल रहा जाने भाई, बट शायद से जोन बंद होने का वेट कर रहे, पीछे से गोलियां चल रही है ऑलरेडी, उतार दिया गाड़ी सब एडमिन ने, लेट्स गो फिनिश कर रहा है, दो मार दिए इसके, दो मार दिए इसके, वो एक भी अब भी गाड़ी चला रहा है, अरे अरे बेचारे यार स्कैम होने वाला, उसकी गाड़ी में धुआं आ रहा है, गाड़ी गई है पूरी उसको, वो भाग रहा है बट बच गया शायद से। हां थिंग्स इज बहुत अच्छा बोल रहा है भैया, बंदा है क्या लेफ्ट इधर मार, ओके ऊपर चढ़ रेड में भैया, सामने बंदा ओपन में, बंदे देख के गया नॉक भाई साहब, गॉर्डन के सामने कितने बंदे यहां पर भाई, किल से मिलने वाले, फिनिश करो इसे जल्दी से, लेट्स गो, ऊपर बंदे हैं, ऊपर बंदे, मानिया को फिनिश कर रहा है, जोन ने फिनिश कर दिया, बंदे स्क्वाड वाले, सोले 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 सोल थोड़ा गलत पोजीशन में फंस गई, सही बताओ लेफ्ट साइड से, सोल का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब एट दिस पॉइंट इंडिया में टॉप टू टीम्स गॉड एंड सोनी है, झूठ ही कह रहा भाई मैं, स्मोक किए मैंने और कार्डियोल गेमिंग, यही तीन टीम है भाई जो टॉप थ्री में बैठी रहती है आजकल, लेफ्ट मारो ना, लेफ्ट बचा है इधर, ऑलरेड कर दिया, ऑलरेड हो गई सोल तो, ऑलरेड है, डिप पे बंदा है, डिप पे बंदा है शायद से, आराम से लेट आओ भाई, क्या जोन पकड़ा है गॉडल ने आगे, गलत जोन भाई, कवर बना रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर, गाड़ी वाड़ी फोड़ रहे जिससे यू नो एनिमी ना फोड़ पाए, गाड़ी फूट भी नहीं रही भाई, ऐसे तो कोई और गोली मारता है तो एकदम फट जाती है, अभी तो भाई ने पूरी सारी गोलियां घुसा डाली तब भी नहीं फट रही भाई, डिप्पे मर गया, कहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तुम दो ना, मैं नीचे हूं, तुम लोग देखो सिंह पता कैसे जाऊं, इधर इधर जाके जो जोनाथन है वो जोन के थोड़े बाहर से खेल रहा है, रोटेशन कट करेगा वो जोन में, और जो पंक है वो बैक स्टैप देख रहा है कि कोई पीछे से ना आ जाए मारने, वो राइट फ्लैंक चला गया पंक वहां से, अगर तुम देखो जोनाथन लेफ्ट फ्लैंक देख रहा है, पंक राइट फ्लैंक देख रहा है, एडमिनो और जोनाथन, एडमिनो और सिम जल्दी आओ जल्दी आओ, जोन पकड़ के बैठे और एडमिनो क्लोज इन कर रहा है आगे, और थोड़ा सा गलत मूव हो सकता है, थोड़ा ओवर अग्रेसिव ना हो जाए, जोन पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं ऑलमोस्ट भाई, ये चारों प्लेयर ने पूरे जोन को एक चारों तरफ से देख रखा है, पकड़ रखा है भाई, सिंपली एक बंदा फिनिश कर रहा है भाई, एडमिनो कहां पहुंच गया भाई, भागते भागते रिज क्रॉस कर गया भाई, अब वो जो डाउन रिज जहां पे बैठे हुए थे उनके पास स्कैम हो जाएगा, ये यहां से रेड जोन बना देंगे उन पे, ये चारों अब साथ में आ गए, जोन होता है पीछे चला गया, बट इनके लिए बहुत इजीली है जोन में आना, बंदे को नॉक करा है, फिनिश नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, चल चल ही उठा रहा भाई, कितना कितना नेड़ भाई, रेड जोन बना दिया इन लोगों ने उन पे भाई, फूटा फूटा भाई, फोड़ दिया भाई, वक्त के बाद जिंदगी बदल दी एनिमीज का भाई, फोड़ फोड़ के, मेरी गाड़ी का अभी ये लोग भी पुश करेंगे वोटर सिटी, कोई पीछे नहीं है, पीछे पीछे तो चलो, हां पीछे तो कोई फ्लाइंग मारते स्कैम सा हो जाएगा भाई, थोड़ा आगे गया कोई, ओए मेरे ऊपर बंदा आया, कौन गया, देख 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 सीडीस मिल रहे हैं, थोड़ा इधर एक जोनाथन ने एक बंदे को फिनिश करा है, नेड फेंका है एडमिनो ने, नाइस नेड करा एडमिनो इधर, पंक ने एक फिनिश करा है, एडमिनो आप नीचे थोड़ा नीचे भाई, फाइनल सर्कल में तुम एग्रेशन देख रहे हो गॉडल का, भाई घुस के नहीं मारते मारते ही पूरे जोन पकड़ लिया इन्होंने, न्यूमन नेश ने एक बंदे को फिनिश करा यहां पर, वो इधर हेल्थ चाहिए पड़ेगी, इधर हेल्थ चाहिए पड़ेगी, तुम तेरे सामने बंदा सामने दिखा, अरे वो पगली लेके निकलने का ट्राई कर रहा था, फंस गया, वो पे है एस्ट्रल के खाएगा भाई, ये जो भी ऊपर आया ना भाई, खाई भाई एस्ट्रल के, सिंपली मार दी उसे उठा करके, गाड़ी घुमाओ गाड़ी घुमाओ, एक ही बंदा हो रहा है नीचे, अरे सिम को पहले रिवाइव दे दो, घुमा ले जा, देखो घुमा ले, ओके वो भी नेड कर रहा है, ठीक है रेंड मत घुमा, मत घुमा, रुक जा अभी फाइट ले, पहले सिम को, हां
जोन बंद हो रहा है वैसे, बट वो दो ही बंदे हैं, 2v4 है, बट नहीं जोनाथन नॉक हो गया यहां पर। हम लोग छोड़ेंगे बे पंग भाई, आपको हेड की लग चाहिए रहेगी। सिंप दो बंदे बस, सिंप फिनिश हो जाएगा। मैसेज बता, मैसेज बता अभी। अरे भाई एक इधर आ चुका है, एक इधर आ चुका है, ठीक है ऊपर से रश कर। पंग को एडमिनो बचे से भाई, ये तो स्कैम हो जाएगा भाई। थोड़ा सा 2v2 की फाइट हो गई है, तो 4v2 से 2v2 हो गया। बहुत गलत लेवल का क्लोजिंग हो रहा है सामने, बट एडमिनो यहां पर से शायद से। अरे नहीं एडमिनो जोन के बाहर है, थोड़ा ये करना प्रेशर बिल्ड करना एडमिनो भाई, ये स्कैम ना हो जाए। मैं झूठ नहीं कह रहा, स्कैम ना हो जाए। आराम से सबर कर, मैं हील कर रहा हूं। ओके जोनाथन रिवाइव हो गया, थैंक गॉड। कर लो कर लो कर लो कर लो, यू टू हो गया। मेरे को लग रहा था इधर भाई जोन के बाहर ना हो जाए भाई स्कैम। कर रहा हूं, बढ़िया स्टन फैक्ट है। कर कर कर, एक लेफ्ट वाले को बचाया उठा करके, लेट्स गो भाई। क्या रश किया भाई, एग्रेशन है नेक्स्ट लेवल भाई साहब। 14 फिनिशेस भाई साहब, क्या पकड़ के मारा है इन्होंने बंदों को। साथ में हम यहां पर एडमिनो की सेंसिटिविटी भी देख लेते हैं। ये आई गेस स्ट्रीम से किसी ने उठाई है, तो मतलब मैं पॉज कर करके दिखा रहा हूँ, तुम कॉपी करते रहो साथ में, जहाँ पे लिखना है लिख लो, एकदम से आके चली जाएगी, क्योंकि ये एडीएस भी तुम देख लो भाई लोग। और एकेएम की आपको यहाँ दिखी रही है, एडीएस वाली मेन है यहाँ पे, गायरोस्कोप तो मतलब तुम्हारे फोन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, वो 300-350-400 के आसपास ही रहती है हर प्लेयर की, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। बट एडीएस की सेंसी ये है, ये क्या डूब डूब के मर रहे लोग। गायरोस्कोप भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 310 है टीपीपी नोस्कोप, रेड डॉट 280 है, तो अगर रेड डॉट 280 है तो बाकी सब भी 300 और 320 के आसपास ही होगा रफली, उसके आसपास ही रहती रेंज। अगर कोई 280 भी खेल रहा है वो 400 पे जाएगा नहीं। अगर तुमको पंग का गेम प्ले देखना है तुम याद बाकर के देख सकते हैं पीसा।